खाने का ठेला लगाएंगे अनुज और अनुपमा। करीब आने वाले हैं तपिश और नंदिता। वनराज उड़ाएगा अनुपमा का मजाक। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल के 21 अगस्त के एपिसोड की। ये एपिसोड एक नई कहानी की शुरुआत होगा। अनुज कपाड़िया और अनुपमा जब साथ में बैठे होंगे तब उन्हें नई तरकीबें करने के बारे में सीख मिलेगी और वो पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। अनुज कपाड़िया याद करेगा कि कैसे उसे स्पिनर्स घुमाने की आदत थी। तब वहीं अनुपमा याद करेगी कि स्कूल के दिनों में वो पेन घुमा करती थी। इसी बीच मीनू और उसके दोस्त घर के खाने को लेकर बातें कर रहे होंगे। मीनू की दोस्त बताएगी कि उसे हॉस्टल में बहुत ख़राब खाना मिलता है, लेकिन क्योंकि उन्हें बनाने की इजाज़त नहीं है इसलिए उन्हें मजबूरी में वही खाना खाना पड़ता है। अब अनुपमा और अनुज कपाड़िया मीनू और उसकी दोस्त की बातें सुन लेंगे और अनुपमा को ये जानकर दुख होगा कि हॉस्टल के बच्चों को ढंग से और हेल्दी खाना नहीं मिलता था। तब वो एक आइडिया लगाएगी और देखेगी कि मेडिकल कॉलेज के बाहर खाने का ठेला लगाया जाए। वो सोचेगी कि इससे चार पैसे भी आएंगे और हॉस्टल के बच्चों को हेल्दी खाना भी मिल जाएगा। अनुपमा आश्रम में सबके साथ अपना प्लान शेयर करेगी और सबको ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अनुपमा फौरन से इस पर काम करना शुरू कर देगी और आश्रम के सभी लोग इसमें अपना साथ देंगे। अब बात है डिम्पी की, तो डिम्पी की बातों ने तपिश का दिल तोड़ दिया है। वहीं आखिरकार उसे घर छोड़कर आ गया है और जिसमें आने के बाद उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। तनाव में तपिश एक कील पर पांव रखने वाला था जब नंदिता उसे रोक देती। नंदिता अपनी बातों से तपिश को बेहतर महसूस कराएगी। दोनों हंसी मजाक करेंगे और एक दूसरे के साथ बैठकर अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि नंदिता भी अच्छे तरीके से तपिश से बात करेगी वो बहुत खुश हो जाएगा। इसलिए वो समझेगी कि तपिश अभी किस सिचुएशन से गुजर रहा है। घर लौटते वक्त तपिश और नंदिता को साथ देखकर डिम्पी उन पर घटिया आरोप लगाएगी और नंदिता पर उसके पति को चुराने का आरोप लगा देगी। पाखी भी इससे डिम्पी का पूरा साथ देगी और कहेगी कि उसे दोनों के हंसते हुए देखना बहुत बुरा लगता है। तपिश सफाई देने की कोशिश करेगा लेकिन दोनों एक नहीं सुनेंगे। तब बापूजी बीच में आकर डिम्पी और पाखी को सबक सिखा देंगे। सभी मिलकर फूड स्टॉल शुरू करेंगे जिसका नाम छोटी अनु के नाम से अनु की रसोई रखा जाएगा। वहीं ये गुजर रहे पाखी, वनराज और लीला अनुपमा के ठेले का खड़ा देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अनुपमा अपनी जगह पर डटी रहेगी। अनुपमा ने जो फास्ट फूड सेंटर शुरू किया है उसके पास जब एक ऑर्डर आएगा तो वो डीन के घर से होगा। तब वो अनुपमा एक ऑर्डर के लिए अनुज को भेज देगी। तेज बरसात में अनुज कबाड़िया अनुपमा किसी तरह सिचुएशन मैनेज करेंगे और इसी तरह अनुज जब ऑर्डर लेके पहुंचेगा तो उसे समझ आएगा कि वो असल में उसी घर पर पहुंचा है जहां उसकी बेटी रहती है। मेघा दरवाजे पर खाना लेने आएगी और बेटी को देगी। उसकी बेटी खाना खाकर फौरन समझ जाएगी कि ये खाना उसकी माँ ने बनाया है। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया कि खाना खाते ही आद्या को अपनी माँ के पास आने का एहसास हो जाएगा और वो कहेगी मम्मी। वहीं उधर अनुज कवाड़िया और अनुज को भी आद्या के पास होने का एहसास होगा, लेकिन अब देखना होगा कि अनुज कवाड़िया अपनी बेटी तक पहुँच पाएगा। अगर हाँ तो कैसे, क्योंकि आद्या की नई माँ अपनी बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा ही इनसिक्योर है। ऐसे में वो किसी तरह से सिचुएशन से निकल पाएगी या फिर सीक्वेंस काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाला है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।